तो देखिए अब बिहार में जीत के बाद क्या हो रहा है, बीजेपी में और जेडीयू में कैसे जश्न मन रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर जो आ रही है, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनोज तिवारी केक काट रहे हैं, लेकिन ये केक खास है, लड्डू का बना हुआ केक है ये। और देखिए चार चार केक एक साथ रख के मनोज तिवारी ये केक काट रहे हैं। बीजेपी में अब जश्न का माहौल है, लड्डू खाए खिलाए तो जा ही रहे हैं, साथ ही लड्डू का केक भी काटा जा रहा है। मनोज तिवारी बीजेपी के नेता लड्डू का केक काट रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बिहार में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न में अब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कल तक थोड़ा संयम की बात कर रहे थे, क्योंकि कल जाहिर सी बात है कि स्लो काउंटिंग हुई थी, धीरे धीरे काउंटिंग हुई थी और नतीजा आते आते काफी रात हो गई थी। और आज सुबह जबकि सब कुछ साफ हो गया, उसके बाद देखिए तस्वीर देखिए और नारेबाजी भी सुनिए और लड्डू का केक कटता हुआ भी देखिए। भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी जिंदाबाद। ये एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4, तो सबसे पहले एनडीए 4। अब तो भाई ये तो काट ही चुके थे, तो खाली बटेगा बटेगा। एनडीए 4 आज भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद मनोज तिवारी जिंदाबाद। हां मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी सब पे भारी। मोदी 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 मोदी। बीजेपी ने बिहार में इस बार बाजी मार ली है, 74 सीटें बीजेपी के खाते में आई है और जेडीयू को 43 सीट मिली है। कुल मिलाकर अगर एनडीए की बात करें तो 125 का आंकड़ा एनडीए के पास हो गया है, यानी कि ये बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेता मनोज तिवारी केक काट रहे हैं, लेकिन ये केक लड्डू का है। कल ये लगातार बात हो रही थी कि लड्डू तो बन गए हैं, लेकिन लड्डू किस पार्टी की तरफ से बटेंगे। मनोज तिवारी खुद हमारे साथ है। मनोज जी, इस वक्त सेलिब्रेशन किस किस उमंग में है, किस तरंग में, क्योंकि आप तो हमेशा धूम मचाने की कोशिश में रहते हैं हमेशा। नहीं देखिए, आज ये बड़ा ये हमारे साथी नीलकांत बख्शी जी का आइडिया है कि एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एनडीए 4, ये चार केक उन्होंने लड्डू का केक बनाया। और ये चार सफलता 2005 से 2020 में भी ये सफलता आई है। ये एक मैजिक है जिसको हम कहते हैं ना कि मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से बिहार के गरीबों ने, मध्यम वर्गीय लोगों में और सभी बिहारियों में एक ऐसा भाव है जैसे लगता है नरेंद्र मोदी गरीबों के भगवान के रूप में खड़े हो गए हों। और ये शब्द बोलते हुए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार के लिए भाग्य बन गई हो। मनोज जी, केक में मिठास और बढ़ गई है, इस बार तो बड़े भाई भी बन गए हैं आप, क्योंकि सांसद तो वहाँ से आते थे, अब विधायक भी सेकंड लार्जेस्ट की तरह ही हैं वहाँ से आप। नहीं देखिए, ये जो बड़े भाई का जो लोग चर्चा करते हैं ना, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, कृपया अपने विकारों का जहर मत डालो।